अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम वेज हक्का नूडल्स बना रहे हैं। उसके लिए हमने 1.5 लीटर पानी बॉईल किया है, जिसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर नमक डाल देंगे। पानी को बॉईल करके हम फेंकने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। हम इसमें नूडल्स डालेंगे, पानी को बॉईल होने के बाद ही नूडल्स ऐड करें। 200 ग्राम नूडल्स यूज़ किया हमने, 2 पैकेट। फ्लेम को हाई रख के हमें इसे बॉईल होने देना है, कम से कम 4 से 5 मिनट। तब तक बॉईल करेंगे जब तक नूडल्स 90% तक गल नहीं जाते। पूरी तरह नहीं गलाना है, वरना ये आगे के प्रोसीजर्स में नरम हो सकते हैं। तो बस 90% तक नूडल्स को बॉईल करें। हमने 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लिया नूडल्स को और फ्लेम को बंद कर दिया है। 90% तक नूडल्स गल गए हैं, इन्हें हम छान लेंगे। नूडल्स को हमने छान लिया, इस पर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी कुकिंग बंद हो जाए और ये नूडल्स नरम ना पड़ जाएं। नूडल्स अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, हम इसमें 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालना है हमें, और बस थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह टॉस कर लेंगे, क्योंकि हम बाकी की तैयारियां करेंगे तो हम नहीं चाहते नूडल्स जो हैं आपस में चिपक जाएं, इसीलिए थोड़ा ऑयल लगाकर इसे टॉस कर लें। एक बोल में कुछ सॉसेस तैयार कर लेते हैं ताकि हमारी कुकिंग आसान हो जाए। 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम विनेगर सफ़ेद सिरका, 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून टमाटो केचप, तकरीबन 1 टीस्पून हनी यानी कि शहद। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, ये अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक पेपर डाल दें। इन सॉसेस को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार रखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से नूडल्स तैयार कर लेते हैं। एक वोक में हम तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक डाल देंगे चॉप करके। दोनों मिलाकर हमने 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया। 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। लहसुन को आधी मिनट सॉटे करने के बाद हम इसमें 1 छोटा प्याज डालेंगे। हमने साथ में इसमें स्प्रिंग अनियन व्हाइट्स भी यूज़ किया है। 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची को अवॉइड करें। बस हमें आधी से 1 मिनट इन सारी चीज़ों को सॉटे करना है। फ्लेम को हाई रखना है और बस फटाफट चलाते हुए सॉटे करना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का गाजर डालेंगे। इस तरह लंबा लंबा हमने स्लिट किया। थोड़े हरी प्याज के पत्ते भी डालेंगे, थोड़े बाद में डालेंगे। गाजर को पहले 1 मिनट पका लेंगे, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हम बाकी की सब्जियां डालेंगे। पहले इसे चलाते हुए आधी से 1 मिनट पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कैबेज डालेंगे 1 कप, 1 छोटा कैप्सिकम, लंबा लंबा हमने स्लिट किया। थोड़ी सी और हरी प्याज डालेंगे। सारी चीज़ों को फ्लेम हाई रख के चलाते हुए और 1 मिनट पका लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी क्रंची रखेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा नूडल्स का। तो बस हाई फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट पकाएं। अगर लो फ्लेम करके ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें से पानी छूटेगा और सब्जियां क्रिस्पी और क्रंची नहीं रहेगी। 1 मिनट हमने पका लिया। हमें इस तरह से कैप्सिकम का कलर ग्रीन चाहिए, ज़्यादा पकाने से ये थोड़े डार्क हो जाते हैं। जो सॉसेस हमने तैयार किए उन्हें हमने एक बार चला लिया और फिर इस तरह हम डाल देंगे। बस आधी मिनट इस तरह सॉसेस को पकाएंगे वेजिटेबल्स के साथ। आधी मिनट के बाद हमें इसमें नूडल्स डाल देने हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि सॉसेस में नमक होता है, तो बस हल्का सा डालें या फिर बाद में टेस्ट करके डालें। हरी प्याज के पत्ते, और हल्के हाथों से इन्हें टॉस कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिलाया, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टॉस कर लेंगे। और बस नूडल्स डालने के बाद, इस तरह टॉस करने के बाद फौरन गैस को बंद कर देंगे।
ज़्यादा में ज़्यादा नूडल्स डाल के बस आधी से एक मिनट थोड़ा सा पकाएं। हमारे गर्मा गर्म वेज हक्का नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। हम इन्हें चिकन चिली के साथ सर्व करेंगे, जिसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो आप भी ये दो कॉम्बिनेशन बनाएं, चिकन चिली और वेज हक्का नूडल्स, बहुत अच्छा लगता है। हम इस पर स्प्रिंग अनियन लीव्स डालेंगे और इसे चिकन चिली के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।